बढ़िया है। वैसे मैं टॉयलेट से नहीं खाती, उस इंसिडेंट की बात तो बिल्कुल नहीं, वो बहुत शर्मनाक था। पर इस बार हम कुछ अलग करेंगे। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वो ये कमाल का लग रहा है, मैं ट्राई करूँ? हाँ नहीं, ये बहुत गलत बात है। ओ ये क्या है, ये मजेदार है। और मैं जानती हूँ इसका क्या करना है, मुझे बस एक बलून चाहिए। और शुक्र है मैं हमेशा एक अपने साथ रखती हूँ, इससे बलून पंप हो जाएगा। अब हम इसमें लॉलीपॉप्स डालेंगे और स्वादिष्ट कैंडी। मुझे नहीं लगता मैंने कभी इतना टेस्टी बलून देखा होगा। चलो इसकी बारिश हो जाए, एक कैंडी शावर देखो। बलून में सोडा डालेंगे, इससे बबल जा जाएंगे। अब इसके अंदर स्ट्रॉ डालेंगे और ये फ्रीज करने के लिए तैयार है। क्या अंदर ठंड है, मैं इसे ट्राई करना चाहूंगी। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मेरे लॉलीपॉप पर नजर मत रखो। लिली तुम स्नैक्स लाई? नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें पता है तुम बहुत लालची हो। जो भी है ही 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 ही। अब मुझे देख कर दिखाओ। शुक्र है वो मुझे सुन भी नहीं सकती, ना समझदार हूँ। मुड़ना मत, मुड़ना मत। हाँ मेरे चिप्स कहाँ गए? पक्का इसमें जेरेड का हाथ है, वो गलत नहीं है। देखते रहे, हम आपको और भी फूड हैक्स दिखाएंगे। आखिरकार हम आखिरी केक ले ही आए, बस उसे ये पसंद आए। तुमने सुना? जो भी है मैं भूल ही गया था, पार्टी हैट परफेक्ट फिनिशिंग टच, प्यारा है ना? और ये डिटेल्स पार्टी का माहौल बनाएंगी। सोडा तैयार है और सब हो गया। हाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। एक और चीज, हमें कैंडल जलानी चाहिए। तुमने सुना वो आ रहा है, हमें जाना होगा। नहीं इस तरफ, केक इसमें से इतना सारा निकल गया। क्या चल रहा है? ओह क्या ये सब मेरे लिए है? हैप्पी बर्थडे। वाह चम्मच, ग्लास में केक, क्या ट्रीट है। तुम लोग बहुत क्रिएटिव हो। हाँ हाँ चीयर्स। ग्लास में केक बहुत बढ़िया था। ब्रेड पर न्यूटेला, इससे बेहतर क्या हो सकता है? और थोड़ी सी कैंडी अच्छी लगेगी, ज्यादा चॉकलेट किसे बुरी लगती है। ओह हाँ चलो इसका सैंडविच बना दे। ओह बहुत स्वीट, ये सबसे अच्छा था, पर मेरे पेट में और भी जगह है। लिली मैंने क्या कहा था, एक बार में सिर्फ एक। कुछ सब्जियों के बारे में क्या ख्याल है? नहीं डैड ये तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम्हारी बढ़ने की उम्र है। मुझे बाद में शुक्रिया अदा करना, मुझे उसके बारे में नहीं पता। ऐसा लग रहा है मैं खरगोश हूँ। पर डैड को मेरे सीक्रेट स्टैश के बारे में नहीं पता। शुगर बेबी, मुझे बुरा लगता है मैं उन्हें ऐसा क्यों करने देती हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, एक ब्रेड का स्लाइस लें और ग्लास से उसमें होल करें, एक कुकी कटर की तरह। ऐसे ही कुछ और पीसेस के साथ भी करें। अब आप इसमें अपनी कैंडी डाल सकते हैं, ये छिपाने की सबसे अच्छी जगह है। और ऊपर वाला पीस ना भूलें, वो वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है ना? इसका टेस्ट बहुत गंदा है, बकवास। शुक्र है मेरे पास ये है, और मैं इसे कहूंगी हेल्दी डाइट। ये खुल क्यों नहीं रहा? चलो भी, बकवास सा बैग, मुझे नूडल्स चाहिए।
ये क्या बकवास है? वो, ये क्या हो गया? क्या हुआ? तुम खतरे में हो? ओह नहीं, सॉरी, मैं तो बस नूडल्स खोल रही थी। हाँ ठीक है। हाँ अभी से खोल ही लेती हूँ। ये चलो खाए। एक सेकंड रुको, इसमें पक्का कुछ मिसिंग है। वो ये रहा, मुझे बहुत पसंद है। इसका ढक्कन अटक गया। हे डेविड, मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। हाँ ताकत? हाँ तो मेरी ही जरूरत होगी। हे कैसे हो? जरा ये जार खोल दोगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूँ। लो तुम तब तक मेरा वेट पकड़ लो। ओ हाँ, मुझे लगा ये थोड़ा भारी होगा। हाँ ये तो अटक गई है। चलो जार खोल भी जाओ। हाँ बस एक सेकंड, इस जार से मैं कमजोर लग रहा हूँ। हे यहाँ क्या हो रहा है? तुमने इसे खोला नहीं? हाँ, ओ, हाँ, ये तो मजाक ही हो गया, अभी तक नहीं खोला। ओ जरा रुको, मुझे कॉल आया है, माफ करना, मुझे उठाना ही होगा, मैं अभी आता हूँ। हाँ वो नहीं देख रही, भागो। ठीक है अब मैं सेफ हूँ। ये बकवास सा जार, तुमने मेरी उसके सामने बेइज्जती करवा दी। एक सेकंड रुको, डक टेप यही काम आएगी। हाँ पहले इस ढक्कन पर ये टेप लगानी है, इस तरह इसे अच्छे से लगाएंगे और अब खींचेंगे। चलो भी। हाँ खुल ही गया, मैं एक जीनियस हूँ। ओह वो वापस आ गया, बढ़िया, मुझे भूख लगी है। हे माफ करना, पर ये रही तुम्हारी जाम, पहले मैं इसे तुम्हारे लिए खोल दूँ। ओह तुमने ये किया कैसे? हाँ ये कुछ भी नहीं है। बस दूध डालना है। हाँ ओह यार इस जग में तो दूध खत्म हो गया, एक ग्लास भी नहीं निकला। अच्छा खैर जो भी हो, तो चलो अब मैं अपना शो देखती हूँ और कुकीज खाएंगे। यमी यमी यमी। ओ ये क्या हुआ? कुकी तो ग्लास में फिट नहीं आ रही, इसे फिट करने के लिए कुछ तो करना होगा। ओह तो मुझे इसके ऊपर इसे छिड़कना होगा। ओह मेरी कुकी, बहुत अच्छे। ओह तो ये यहाँ है। आउच, मुझे बहुत जोर से लगा, मैंने किया क्या है? अब तो मैं खाऊंगी भी नहीं। एक सेकंड रुको, हमारे पास कुकी ट्रे है और खाली जगह और ग्लास भी। हाँ तो ये इतना आसान था, देखते हैं। पहले मैं इस खाली जगह पर दूध डालती हूँ, बस ये लीक ना हो। लगता है काम बन गया, मैं एक जीनियस हूँ। अब मैं इसमें अपने कुकीज डिप कर सकती हूँ, आखिरकार मैं अपना स्वादिष्ट स्नैक खा सकती हूँ। हाँ एक सेकंड रुको, इसका स्वाद बहुत बुरा है, क्या ये दूध है? मैं इसकी एक्सपायरेशन डेट देखती हूँ। हाँ हाँ और आज तो नहीं। हेलो पिज्जा डिलीवरी। ओह हेलो मिस, ये रहा आपका पिज्जा, आपका दिन अच्छा हो। हाँ शक्ति कार को हरा दिया। हाँ मुझे माफ करना, मैं दरवाजा खोलने गई थी। ओह पिज्जा, पिज्जा मेरा फेवरेट है। यामी कितना अच्छा लग रहा है, मुझे पिज्जा सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है मुझे ये पीस चाहिए, ये सबसे अच्छा दिख रहा है। ओह पिज्जा तो फंस गया, मैं नहीं ले पा रहा, मम्मी मदद करेंगी। ओह वो फोन पर बात कर रही है, कोई बात नहीं, मैं उनके फोन रखने का इंतजार कर सकता हूँ। मम्मी मुझे पिज्जा कट चाहिए। अभी नहीं डेविड हनी, मम्मी फोन पर बात कर रही है ना। पर मुझे पिज्जा अभी ही चाहिए, मुझे भूख लगी है, इससे ज्यादा भूख कभी किसी को नहीं लगी होगी। पिज्जा मैं बीवर हूँ, मैं यही बॉक्स खा जाऊंगा। पिज्जा ठंडा हो रहा है, काश मैं इसे काट पाता। हे मेरी कोल बाइक, ये पिज्जा कटर जैसी दिखती है। ओह देखो कैसे घूमी। ठीक है बाइक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वुम वुम। हाँ गो बाइक गो, पिज्जा काटो और खा जाओ। ये पिज्जा कट गया, अब मैं इसे खा सकता हूँ। नामी नामी नामी। मुझे पिज्जा सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। ओह जरा एक सेकंड रुको। डेविड तुमने एक बड़े बच्चे की तरह पिज्जा खुद काट लिया। हाय गाइस, जरा ये देखो, पर ये पेंसिल्स के लिए नहीं है, ये वेजिटेबल शार्पनर है। बस इस क्यूकम्बर को घुमाना है और ये आ गए इसके लंबे रिबन्स। कितना आसान है और आपके ब्यूटी रूटीन के लिए परफेक्ट, हमारी स्किन और खराब नहीं दिखेगी।
तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, इन स्ट्रॉबेरीज को तो देखो। कितनी अच्छी खुशबू है और बहुत जूसी है। मैं ये पूरा दिन खा सकती हूँ। चॉक्स भी है। तुम्हें इसे ढंग से खाना चाहिए, एकदम मजे से। पता भी तो जलना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल सही टूल्स के साथ। इस छोटे से गैजेट से इसके स्टॉक्स निकल जाएंगे। बस इसके अंदर डालो और घुमाओ। अब ना ही लीव्स है और ना ही स्टॉक, ये बेहतर है। हाँ हाँ, जो भी हो। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। मैं अभी आती हूँ। जल्दी जाना होगा, मैं उसे बताती हूँ। हाय, मुझे एक स्ट्रॉ चाहिए प्लीज। रुको जरा, जल्दी करो। थैंक्स, बहुत अजीब था। मैं आ रही हूँ डेविड। मैं वापस आ गई और मुझे अब यही चाहिए। ये देखो, इसे स्ट्रॉबेरी में से निकालेंगे। अब स्टॉक इसमें नहीं रहा। तुम तो बहुत तेज हो। बहुत अच्छे, तो हम ये बदल ले। ये लो। ये मजेदार है। मुझे आलू पसंद है। पहले इन्हें छीलना होगा। शुक्रिया, मैं तैयारी के साथ आई थी। ये देखो, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जितना सोचा था उससे मुश्किल है। बाकी का कहाँ है? मुझे कॉल करना होगा। हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, एक पोटैटो। बाय। डेविड के लिए पैकेज है, वो तो मैं हूँ। यहाँ साइन करो। ये क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चलो, अब इसे छीले। बस स्विच दबाना है और मशीन अपना काम कर लेगी। मुझे बस यहाँ देखना है। टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज है। वो जरा इसे देखो, मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद आया। जरा ये देखो। वाह, एक जाइंट पोटैटो नूडल। देखो मेरी मूछें हैं। और ये रहा पोटैटो। कितना कूल है। मैं शायद इसके साथ ज्यादा एक्साइटेड हो गई। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो फ्रूट ट्राई करते हैं। ये काम कर रहा है। ऑरेंज भी पील हो गया। क्या बात है। वाओ, क्या ये वाटरमेलन है? काफी अलग था। पकड़ लिया। चलो भी इसे खोलो। कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। घबराओ मत। ये लो, इसे आरो पर रैप करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। भरोसा रखो, तुम ये चला सकती हो। मैं इसमें प्रो हूँ। इसमें एक नोट है। मैडिसन परेशानी में है, मुझे जाना होगा। आउच, यहाँ क्या हो रहा है? ये कराटे से इसे काटोगे? हाँ, पीछे रहो, थोड़ा गन मच सकता है। और ये हो गया। कितना कूल है। मैं तो अपना काम कर रही हूँ। इसे खाना आसान नहीं है। अब हम क्या करें? मुश्किल है। वाह, देखो, हमें यही तो चाहिए। वाटरमेलन पर रखकर प्रेस करेंगे। वाह, अब मेरे पास एक वाटरमेलन का स्लाइस है। मुझे दो। नहीं, ये मेरा है। बहुत टेस्टी है। इसके लिए फैंसी टूल्स की जरूरत नहीं है। ग्लास भी काम करेगा। इससे वाटरमेलन कट जाएगा। और बस शेक करेंगे। बुरा नहीं है। अब मैं खाऊंगा। मजा आ गया। और मेरे पास भी स्लाइस है। स्वादिष्ट। ये वाली ट्राई करते हैं। ये तो शानदार है। जब पेरेंट्स नहीं है तो खेलने का समय है। मैंने ये टेक्स्ट भेजा, देखो। हाय पार्टी पीपल, चलो आ जाओ क्लेयर। ओह, क्या ये खाना है? मैं पार्टी के लिए तैयार हूँ। हाँ, यहाँ तक चलते चलते भूख लग गई। ठीक है। हाय दोस्तों, ये क्या है?
मैं इसे घर छोड़कर नहीं आती, ये तो खाली है, तो वो यही कहीं होगा। ओह हैप्पी डे, मेरे गार्डन से ताजे पत्ते, ये बहुत ही खतरनाक होंगे। हे लेडीज, ओह मैं कुछ नहीं लाया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल, मजे करना, यहाँ पार्टी चल रही है, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। शेयर तो कर लेते दोस्त, शायद ये फूल खाने लायक है, हमें क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम अपने एयर फ्रायर को कैसे भूल सकते हैं? ओह इस स्वादिष्ट खाने को तो देखो, फ्राइज बढ़िया है, पर हमें प्रोटीन चाहिए। बिंगो, कुछ चीज वाला, चलो ये बनाएं। शायद इतना तेल काफी है, हमें ये सब नहीं चाहिए, बस एक चम्मच। ओह है ना, कम तेल मतलब कम कैलोरीज और हेल्दी स्नैक। चलो मिलते हैं दोस्तों, ये बहुत जल्दी बन जाता है और कुछ ही समय में आपको मिले कुछ क्रिस्पी फ्राइज। अब हम बना रहे हैं मोज़रेला स्टिक्स, क्या तुम मान सकते हो ये फ्राइड नहीं है? मेहमान याद है ना, कोई चिकन विंग्स खाएगा? अपनी पसंदीदा मैरिनेट डाले और इन्हें एयर फ्रायर में डाल दे। यहाँ बहुत सारे आ जाएंगे और बिना तेल के इन्हें खाने पर कोई अफसोस नहीं होगा। आ जाओ और ले लो दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा लगता है ना? और ये एक घंटे में बना है, क्या तुमने ऑर्डर किया है? विंग्स देना, और इसका क्रिस्प भी एकदम बढ़िया है, क्या तुम मान सकते हो ये मोज़रेला स्टिक्स है? बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह, लेकिन तेल के बिना। हॉट क्रिस्पी फ्राइज से बेहतर कुछ भी नहीं, सब खुश लग रहे हैं, पार्टी बच गई। ओह क्या साढ़े नौ हो गए, हमें सबको बाहर निकालना होगा, जल्दी से साफ करते हैं। ओलिविया इसे बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। हाँ पहली डेट के लिए चीयर्स, क्या तुम पागल हो, कचरे के डब्बे तक ले जाओ। डो, और इसे जल्दी से साफ करेंगे, बास्केट को इस तरह निकालें और आम तरीके से इसे धो लें, ये डिशवॉशर सेफ भी है। और बिग बास्केट, इसकी मेटल नॉनस्टिक कोटिंग की वजह से ये आसानी से साफ हो जाता है, बस इसे वापस लगा दे और ये हो गया, आसान है। वो वापस आ गए, हाय बच्चों, हाय मॉम, ओह जाना होगा, चलो मिलते हैं, बाल बाल बचे, शुक्रिया लिटिल गाय, स्कैलप बहुत गंदा आइडिया था, यहाँ कुछ अलग है। मैं स्वादिष्ट डिनर के साथ सबके होश उड़ा दूंगा, बस ताजी चीजें इस्तेमाल करो। खुशबू से लगता है चिकन तैयार है, बहुत स्वादिष्ट है। ओह जितना सोचा था उससे ज्यादा सूख गया है, पर इसका टेस्ट फिर भी अच्छा होगा, शायद मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मेरा टाइमर क्यों नहीं बजा? गाह, तुमने अच्छा नहीं किया, बेवकूफ अलार्म क्लॉक, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गया, मैं बहुत तेज हूँ। हेलो, मुझे कुछ ऑर्डर करना है, शुक्रिया। ओह बहुत जल्दी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओह मेरे वाले से ज्यादा अच्छी खुशबू है, क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? मेरी प्लेट पर तो ऐसा लगता है ये मैंने ही बनाया है। ओह मेरे गेस्ट,
कुछ अच्छे से खुशबू आ रही है। मेरे लिए? ये मैंने खुद बनाया है, ये गर्म है, ध्यान से। थोड़ी गड़बड़ है ना? तुम ये कह सकते हो। मेरा हो गया। इसका स्वाद अच्छा था। hey, चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाती हूँ। तैयार हो? एक टॉर्टिया लो और इस तरह आधा काटो और हर क्वार्टर पर अलग अलग चीजें रखो, वो टॉपिंग्स और कॉन्डिमेंट्स हो सकते हैं। और हर क्वार्टर को इस तरह फोल्ड करो, एक बार में एक फोल्ड और आखिरी वाला परफेक्ट। अब ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। ये लो, स्वादिष्ट है ना? अब हम कभी टाकोस उस तरह से नहीं खाएंगे। मैं सब कैसे करूंगा? ठीक है, अब मुझे समझ आ रहा है। ओह स्टूपिड पेंसिल। ओ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। कम से कम कॉफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फोकस। वैसे मुझे इसका आंसर तो पता है, तो मैं इसे करता हूँ। शायद आंसर बी है। दोबारा कॉफी डालो। तो चलो आगे बढ़े। वो मम्मी सीधा देख भी नहीं पा रहा। मेरे पास थकने का समय नहीं है, आंखें खुली रखनी होंगी। मेरा काम सब गीला हो गया। ये कैसी बर्बादी है, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ। दोबारा भरो। यहाँ क्या हुआ है? तुमने उसके ऊपर कॉफी गिरा दी? ओ नहीं, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। वैसे शायद मैं कर सकती हूँ। मुझे अपना मग दो। इसके ऊपर मेरे चिप्स का ढक्कन फट आ गया। अगली बार ये इसे गिरने से बचाएगा। तो मैं कहाँ था? नहीं। हे, ये तो गिरा ही नहीं। लिली ने अच्छा तरीका बताया। ये इसे गर्म भी रखता है। अब वो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दे। मुझे नई हैट की भी जरूरत है। मुझ पर सूट करती है। हाँ? पकड़ लिया। क्या कैच किया है? बच गया। ये लो। थैंक यू। ओह, देखो मेरे पास क्या है। ये एक प्यारा सा बनी मोल्ड है। पहले एग को अलग करेंगे, एक ग्लास में व्हाइट और दूसरे में योग। फिर व्हिस्क करेंगे। मोल्ड को इस पैन में रखेंगे और एग व्हाइट डालने के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। इससे गन नहीं मचता। अब दूसरी सिरिंज में योग डालेंगे। ये बनेगी आंखें। लगता है ये तैयार है। ये एक एगी बनी है। ओ बढ़िया। ये लड़का कौन है? ओ, मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये काम आएगा। एक हार्ट शेप काटेंगे, इस फोक से इसे टिकाकर एग व्हाइट डालेंगे, कार्डबोर्ड के आसपास डालेंगे और फिर इसे पकाएंगे। अब कार्डबोर्ड निकाल लेंगे और फिर योग डालेंगे एक सिरिंज से। ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसे छोड़ देंगे। लगता है ये तैयार है। मुझे बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा है। एक चीज मिसिंग है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और तुम ये एग रख सकते हो, पर हम अभी भी दोस्त हैं। चलो हाथ दो। बहुत अजीब है। लगता है माइक्रोवेव का भी समय आ गया है। हमने इसे आखिरी बार साफ कब किया था? कितना गंदा है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हमें डॉल चाहिए। इसके बाल हटाकर थोड़ा पानी डालेंगे और फिर बाल लगा देंगे। अब बस इसे माइक्रोवेव में रखना है। स्विच ऑन करेंगे और डॉल अपना काम कर लेगी। जरा देखो, लगता है काम हो गया। अब बस इसे साफ करना है और सारी मिट्टी एक बार में साफ हो जाएगी।
देखा कितना फर्क है ना? ये बहुत काम की है। तुम्हारे पास क्या है? जरा रुको। हाय मॉम, मैं यहाँ बैठ जाऊँ? डेविड, यहाँ गंद मत मचाओ। क्या मतलब? डेविड, हिम्मत भी मत करना। नहीं, ये देखो, अब ये गिर जाएगी। ओप्स, बहुत हुआ। गुस्सा गुस्सा, मुझे चलना होगा। डेविड, देखो तुमने कितना गंद मचा दिया। वाह, वो गुस्से में है। तुम ये कैसे कर सकते हो? मुझे यहाँ से जाना चाहिए। माइक्रोवेव को देखो, आप इसे साफ कर दोगे? प्लीज। ठीक है, पर सिर्फ एक ही बार। ओह, ये तो चमक रहा है। काफी बढ़िया, लोहा नहीं हो गया। अब ये गड़बड़ साफ करो। हाँ, शर्म की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दूंगा। प्यास लग गई। हाँ, पर हमारे पास सोडा है। रुको, मैं कुछ लाई हूँ। हमारे पास ये कोल बॉटल ओपनर है। क्या आप सीधा निकल गई? कितना आसान था। नैने, अब तुम्हारी बारी। जैसा तुम कहो। ये कहाँ जा रहा है? है, मैं तुम्हारी बाइसिकल ले सकता हूँ। क्या? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी हुई। शुक्रिया। इसे यहाँ खड़ी करते हैं और पेडल से बॉटल कैप निकाल देंगे। वाह, पर तुमने इसके लिए बाइक खरीदी? हाँ बिल्कुल। Cheers. अब मैं ये कैन खोलूंगी। बॉटल ओपनर को उल्टा करें और इससे ये भी खुल गया। बहुत अच्छा है ना? बहुत आसान भी है। ठीक है, मेरे पास ऐसा फैंसी कुछ नहीं है, तो मैं हाथ से ही खोल देता हूँ। कितना आसान था। पर खैर छोड़ो, तो फिर टाई हुआ। चलो सोडा के मजे ले। खाना पकाते पकाते ऐसे क्यों लगता है कि आप स्प्लैश जोन की पहली सीट पर बैठे हैं? मुझे करने दो। आपके हाथ, बस देख रहे थे तेल तैयार है या नहीं, और अब डाल सकते हैं। ओह, ये कौन होगा? ओह, मैं आंट मैरी को तो भूल ही गई। मेरे जाने के बाद ये तुम करोगी? तुम कर लोगी बच्ची। कूल, क्या ये रेसिपी है? यहाँ बहुत सारे स्टेप्स होंगे। वो मैं सब्जियाँ काट दूंगी। ये प्याज तो स्लिपरी है। गाजर काटना आसान है। या नहीं। और अब ये। वो, मैं इसे पकड़ भी नहीं पा रही। और आलू, ओ, ये तो खराब हो गया। अब ये मत कहना। क्या किसी को जला हुआ खाना पसंद है? अब तो मैं गई। डिनर तैयार है मॉम। ये किसने किया? तुमने चिकन जला दिया? इसकी स्मेल तो कैंप फायर जैसी है। क्या हमें ये खाना होगा? ये मेरी गलती नहीं है, मैंने कभी भी खाना नहीं बनाया। ओलिविया, हम इसे एयर फ्रायर में बना सकते हैं। ये कुछ भी पका सकता है। चलो बनाए। बस इसका प्लग लगा दे और अब हम रोज की तरह खाना पका सकते हैं। प्यारा है ना? पीछे हटो और ये मुझ पर छोड़ दो। 5 मिनट के लिए प्री हीट करें और 400 डिग्री पर सेट कर दें। और हो गया। अब समय है सब्जियों को धोने का और काटने का। अब ये ज्यादा बेहतर है। ये शेफ आउटफिट बहुत काम कर रही है। जब चिकन पूरा तैयार हो, आप इसे एयर फ्रायर में डाल सकते हैं। इसकी पावरफुल हीटिंग ये ध्यान में रखती है कि सब कुछ क्रिस्पी और जूसी भी रहे। जरा इसे देखो, मुंह में पानी आ जाएगा।
और इसमें सब्जियां बहुत आसानी से पकती हैं। बस इन्हें अंदर डालें और कुकिंग सेटिंग्स को एडजस्ट कर दें। ये बाकी उसे आधे समय में हो जाता है। हॉट एंड वेजीज कोई खाएगा और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। टेस्ट टेस्ट। और अब आलू, मुझे तेल डालने की भी जरूरत नहीं। ये बहुत तेज था और ये गोल्डन ब्राउन हो गए और ये इतने बड़े हैं कि 3 से 6 लोग निपट जाएंगे। मैं नहीं मान सकती, ये खाना तो फैंसी मेन्यू से आया हुआ लगता है। जरा चिकन को देखो। और अच्छा माहौल, हमने कर दिखाया है ना? क्या तुम लड़कियों ने ये किया? ये तो क्रिसमस का जादू है। और ये सब एक एयर फ्रायर से हुआ। आप उसमें अपना पूरा हॉलिडे डिनर बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट वाला। जितना चाहिए उतना लो, बहुत सारा पड़ा है। और कोई बात नहीं, चिकन बहुत ही ज्यादा जूसी है। और ये सब तुम्हारी वजह से बच्चों। पहले मैं। क्या एयर फ्रायर मेरा आइडिया था? क्या सच में कोई सेकंड के लिए तैयार है? लगता है सब हो जाएंगे। ये क्रिसमस सच में लाजवाब है। ये जब सच थे, पर मुझे अभी भी भूख लग रही है। क्या यहाँ कुछ है? फ्रिज में। मुझे पता था, मेरे पास आओ और मैं ये पूरा खाने वाली हूँ। आओ, ये तो बहुत सख्त है, बहुत लंबे समय से फ्रिज में होगा। ये तो पत्थर जैसा है। क्या तुम्हारे पास सैंडविच है? शुक्रिया। आओ, इससे तो मेरे दांत टूट जाएंगे। ये ट्रिक देखना, ठंडा स्नैक सॉफ्ट करना है, ध्यान रहे कि अच्छे से गीला हो। और अब इसे ओवन में रख दे। मैंने इसे प्रीहीट कर लिया था। अब इंतजार करो और करीबन 5 मिनट में ये सैंडविच का समय है। अब ये गरम और सॉफ्ट होगा। जरा इसे देखो ओलिविया, ये मेरा था, याद है ना? लगता है आखिरकार लंच हो गया। वो ध्यान से ओलिविया, चलो दोबारा ट्राई करें। ओ नहीं, ये केचप को क्या हो गया है? नहीं, क्या वो सच में हुआ? ओ, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, शायद उसने देखा ही नहीं। चलो भी, सच में मुझे भी लग गया है ओलिविया। मुझे दो, मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाऊंगी। अपने चिकन को बैग में डालो बिल्कुल इस तरह, और अब केचप को जाने दो। और अब समय है शेक करने का। बस तैयार है, एक बार और ये लो, परफेक्ट केचप विंग कॉम्बो। शेयर करने के लिए शुक्रिया, तुम लाजवाब हो, है ना? ढक्कन उतर गया, मैं कुछ भी सही से नहीं कर सकती। और वैसे ये वीडियो टॉप क्रॉनिक्स से स्पॉन्सर्ड है।